हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू हैव एंजॉयड योर दिवाली फेस्टिवल अलॉट। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपने अपना दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। यू एंजॉयड योर हॉलीडेज ऑल्सो, बट इट्स द टाइम टू गेट बैक टू द स्टडीज़। फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल की हॉलीडेज भी सेलिब्रेट कर लिए, अब टाइम है अपने स्टडीज़ के पास वापस टर्न करने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। सो टेक योर पेज नंबर 16, लेसन नंबर 3, द मून इन द वाटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द मून इन द वाटर। नाउ इन दिस लेसन व्हाट वी विल सी, हाउ मून इज कमिंग इन द वाटर। इस लेसन में हम क्या देखेंगे कि मून कैसे वाटर यानी कि पानी में आ गया है। So come, let's start our today's lesson. It is a full moon night. A little prince plays in the courtyard. Suddenly, he looks at the moon in the sky. He calls the queen. Now, what is given here? यहाँ क्या दिया हुआ? It is full moon night. Full moon night means पूरा चांद है आसमान में। पूरा जो चांद रहता है ना, पूरा सर्कल वाला मून, उसको बोलते हैं फुल मून। तो इट इज अ फुल मून नाइट एंड लिटिल प्रिंस इज प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मीन्स लिटिल प्रिंस इज प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड, मतलब जो राजा राजकुमार है वो कोर्ट यार्ड यानी कि अपने घर के आंगन में, आंगन को बोलते हैं कोर्ट यार्ड, आंगन में खेल रहा है। सडनली ही लुक्स एट द मून इन द स्काई, ही कॉल्स द क्वीन। नाउ सडनली ही लुक्स इन द At the moon. Now suddenly he looks, suddenly means अचानक। अचानक वो कहाँ देखता है? Moon यानी कि चंदा मामा के पास देखता है। और फिर किसे बुलाता है वो? Queen यानी कि अपनी माँ को। What is that shining thing? The prince asks. That is the moon, my dear. The queen tells. Now prince asks. Prince क्या पूछ रहा है कि what is that shining thing? मतलब ये जो चमकती हुई चीज है वो क्या है? सो कौन पूछ रहा है? प्रिंस पूछ रहा है। नाउ व्हाट आंसर इज गिविंग द क्वीन? दैट इज मून माय डियर। आंसर मम्मी क्या आंसर दे रही है कि वो मून है जो शाइन कर रहा है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मून, द प्रिंस लुक्स एंड लुक्स। अब द प्रिंस, अब राजकुमार क्या बोल रहा है? वाह कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है चंदा मामा। एंड ही लुक्स एंड लुक्स, और वो चंदा मामा यानी कि मून को देख ही रहा था। मॉम आई वॉन्ट दैट मून, द प्रिंस सेज। नाउ व्हाट दिस प्रिंस इज सेइंग? दैट आई वॉन्ट दैट मून। अब राजकुमार क्या बोल रहा है मम्मी को कि मम्मी मुझे वो मून यानी कि चंदा मामा चाहिए। It is very far. Nobody can bring it, the queen says. Now what queen is saying? मतलब राजकुमार की मामा राजकुमार को क्या बोल रही है कि चंदा मामा की जो मून है वो बहुत फार है, मतलब दूर है, कोई भी चंदा मामा को यहाँ नहीं ला सकता। The prince becomes sad. The queen gives him toys to play. He do not touch any toy. He wants only the moon. Now, जब मामा ने ये कहा कि चंदा मामा बहुत दूर है और कोई भी चंदा मामा को नहीं ला सकता, तो राजकुमार क्या हो गए? नाराज हो गए। The prince became sad. राजकुमार नाराज हो गए, sad हो गए, दुखी हो गए। तो मम्मा ने क्या किया? द क्वीन गिव हिम टॉयज टू प्ले। मम्मा ने बहुत सारे दूसरे टॉयज दी राजकुमार को खेलने के लिए। बट द प्रिंस डू नॉट टच दैट टॉयज, मतलब वो राजकुमार दूसरे टॉयज को टच भी नहीं किए। ही वॉन्ट ओनली द मून, राजकुमार को सिर्फ चंदा मामा ही चाहिए खेलने के लिए। द प्रिंस लुक्स एंड लुक्स एट द मून, he cries. The queen gives him some sweets, but he does not eat. Now, what this
प्रिंस इज डूइंग, राजकुमार क्या कर रहे, राजकुमार सिर्फ चंदा मामा की तरफ देख रहे, ना ही दूसरे टॉयज के साथ खेल रहे, ना ही कुछ खा रहे। मम्मा ने, यानी कि जो क्वीन है, रानी है, उन्होंने प्रिंस को स्वीट्स यानी कि मिठाई दी थी खाने के लिए, बट ही डज नॉट टच इट, मतलब राजकुमार ने वो स्वीट्स को टच तक नहीं किया। द क्वीन मदर कम्स, शी प्लेस अ टब ऑफ वाटर इन द ओपन। लुक माई डियर, हियर इज द मून। नाउ वॉट द मदर इज डूइंग, मतलब वॉट द क्वीन इज सेइंग। क्वीन ने क्या की, क्वीन ने एक छोटा सा टब लेके आई। टब मंस जिसमें छोटे बच्चे को नहलाते हैं उसको बोलते हैं टब। अब वो पानी से भरा टब क्वीन लेके आई और क्वीन क्या बोल रही, लुक माई डियर हियर इज द मून, मतलब यू लुक इन दिस पिक्चर। राजकुमार के पास उस पानी के टब को लेके गई और फिर क्या बोली कि लुक माई डियर हियर इज द मून, मतलब पानी में वो मून का शेडो दिखाई प्रिंस को और प्रिंस को बोली सी बेटा हियर इज योर मून, आपके लिए मून लेके आई है। ओके, द प्रिंस सीज द मून नियर हिम, ही बिकेम्स वेरी हैप्पी। नाउ व्हेन द प्रिंस सीज द मून इन द टब, ही बिकेम्स वेरी हैप्पी। जब राजकुमार टब में मून को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। सो हियर वी एंड आर टूडेज लेसन, तो आज का हमारा ये लेसन यहाँ पे एंड होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन। सो इट्स द टाइम टू टेक लीव, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।